तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए आपके लिए एक टॉपिक देती हूँ मैं कि आपको मुझसे रिलेटेड या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं आई हूँ मेरी शॉप पे, बहुत दिनों के बाद आई हूँ। टाइम ही नहीं मिल पाता क्योंकि मम्मी मॉर्निंग में ही चले जाते हैं जल्दी, 11-12 बजे सी, फिर उसके बाद में डायरेक्ट रात को ही आते हैं। तो घर का काम वाम, रीवा को होमवर्क कराना, सारा मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं शॉप पे नहीं आती हूँ। तो आज क्या हमारे शॉप की न्यू मतलब रेक लगाई है वो दिखाने आई थी, और भी कई चीज़ें दिखानी थी आपको। वैसे तो सामान जो है जोड़ ओढ़ना और भी कई सामान है वो कल आएंगे, आज तो मैंने सोचा आपको शॉप दिखा देती हूँ। क्योंकि कई लोगों का ये होता है कि है ना, शॉप में मतलब बिल्कुल मेंटेन नहीं है, सामान ये नीचे रखा हुआ है, तो मुझे भी खुद को थोड़ा अजीब सा लगता था शॉप में वीडियो बनाना। तो अब आज फाइनली रेक लग चुकी है तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही, मैं आपको चलो दिखाती हूँ। तो मतलब पता है रेक लगने से एक चीज़ अच्छी हो जाती है, एकदम अच्छे से सेट लगती है शॉप। तो ये देखो अब कितनी अच्छी लग रही है, नहीं तो पहले ऐसे सामान यूँ नीचे है ना एकदम बिखरा हुआ रहता था, अब रेक लगने से अच्छी सी लग रही है, लग रहा है कि हाँ भाई शॉप है। तो इधर की साइड हमने सारा ओढ़ना लगा दिया है जो कि मैंने आपको दिखाए थे, ओढ़ने सारे नहीं दिखा पाई थी मैं। ये है इधर साइड ओढ़ने हैं, और ये है पारचा, और ये भी ओढ़ने ही हैं सारे, जोड़ ओढ़ने हैं, और ये हाफ प्योर की पोशाक। अभी क्या अच्छे से कल बहुत सारा माल आएगा तो उसको फिर अच्छे से और अरेंज करेंगे। तो ये रेक ऐसे है, इधर 4 मीटर के सूट ऐसे अरेंज किए हैं, ये देखना इसको। और 2 सूट न्यू आए जो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये डिजिटल कॉटन है, बहुत ही मैं ऐसा लग रहा ना जैसे मतलब 4 मीटर के वैसे साटन में डिजिटल प्रिंट वाला वैसे हो सूट, मगर ये कॉटन में है। एक ये है संतूर में लहरिया सूट आया है नया, बहुत ही प्रिटी है, ऐसा प्योर का जैसा लगता है, इसके ऊपर ऐसे ओढ़ना है। तो उसका मैं फुल वीडियो बनाऊंगी, आज आई हूँ इतने दिनों बाद में। इसमें और भी कलर्स हैं, बहुत ही मतलब सारे प्रिटी प्रिटी कलर हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि आप हमारे यहाँ से सूट स्टिच भी करवा सकते हैं, वो भी सर्विस अवेलेबल कर हो चुकी है हमारे पास में। तो मैं एक सूट आपको हर प्रकार का सूट, 4 मीटर का सूट भी सिलवा सकते हैं, कॉटन में भी है और हाफ प्योर में, और भी सूट सिलवा सकते हैं। तो एक कस्टमर ने है ना सूट स्टिच करवाया था हमसे, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा सिला है उसके अकॉर्डिंग। तो ये है कस्टमर का सूट जो कि इन्होंने हमसे है ना स्टिच करवाया था, अस्तर का सूट है। तो देखिए ये मतलब ऐसे इतनी अच्छी उसकी सिलाई करी है, और ये इसका ओढ़ना है, इसके मतलब जुआरे वुआरे लगाने हैं। तो ये देखो एकदम बारीक गोटा, क्योंकि मोटा मोटा गोटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये स्टिच करवाया था किसी कस्टमर का है, और बाकी हम गोटा किरण प्योर के वो भी लगवाते हैं, सूट की पैकिंग भी होती है, सारा काम होता है। तो अब हम जाएंगे मार्केट कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, सुरजीत बना रुके हुए हैं, उन्होंने बोला था कि है ना जूडियो जाना है, तो वो खातीपुरा मोड़ से ही जाएंगे, तो मैंने बोला कि हमें भी छोड़ देना, चलो ये। और 3 सूट जो कि कस्टमर है हमारे यहाँ से परचेज किए थे राखी के लिए, मतलब देते हैं ना बहन बेटियों को, तो उन्होंने बोला था अच्छे से पैकिंग करके पैकिंग करके हमें दे देना, तो पैकिंग भी करवाई है हमने इन सूटों। तो एक सूट ये अपने शॉप का लहरिया, और ये लहंगा है,
एक सूट ये 4 मीटर का है पूरा, और इसके ऊपर ये ओढ़ना है लहरिए का, और एक सूट ये है। ये तीनों सूट कस्टमर के हैं, उन्होंने पैक करवाने के लिए कहा था, उसको हमने पैक भी करवा दिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ घर पे, और मार्केट जाना हो गया कैंसिल, क्योंकि जब मैं मार्केट मतलब निकल रही थी तो भाभी साहब का फ़ोन आ गया कि कहीं मत जाना, अगर शॉप पे हो तो घर पे आ जाना, मैं मिलने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि भाभी साहब पियर चले गए थे। कई लोगों के कमेंट्स थे कि आपके भाभी साहब क्यों नहीं आए मुहूर्त पे, या फिर ऐसे आपसे मिलने भी नहीं आए, तो वो पियर गए हुए थे। अब वो पियर से आ चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि कल उनको कहीं किसी काम से जाना है, तो वो आज ही आएंगे मिलने के लिए। तो मैंने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। शॉप पे तो जाके आ गई थी, बट मार्केट जाना कैंसिल हो गया, मतलब और कभी चले जाएंगे मार्केट। तो अभी भाभी से आ रहे हैं, और हाँ, तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए आपके लिए एक टॉपिक देती हूँ मैं, कि आपको मुझसे रिलेटेड या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर जितना हो सकेगा उसका मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, इससे जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आप जितना हो सके मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। भैया भाभी साहब शॉप पे ही आ गए डायरेक्ट, मैंने सोचा था घर पे आएंगे, तो मैं शॉप पे जा रही हूँ। थोड़ी आधी दूर भैया आएगा, थोड़ा मैं जा रही हूँ पैदल पैदल, और भैया के लिए इसलिए फॉफे मैंने चॉकलेट ले ली है, सूजी बनाई थी उसकी। तो भाभी साहब ने बहुत सारी परचेसिंग कर ली, बहुत सारी बोलना पड़े, बहुत सारी नहीं भाभी साहब को क्या जल्दी से पसंद भी नहीं आते सूट। नहीं, अच्छा कलेक्शन है, बहुत सुंदर कलेक्शन है, और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, ज्यादा ऐसा नहीं है। आपसे तो जरूर लूट सकते हम। हाँ, से नहीं वाले सूट ले, ये वाले ने? नहीं, ये वाले हैं, एक चेरी वाला ब्लू में, और एक अभी चल रहा है लेटेस्ट डिजिटल कॉटन। डिजिटल कॉटन शिबोरी वाली ओढ़नी काफी अच्छी है, ये 30वीं ब्रासो में, और अपने जो फेमस है केडाई ओढ़ने, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्रोडक्ट। कीप शॉपिंग, हम सबको यही बोलते हैं, कीप शॉपिंग। मॉर्निंग में भी यही निकला था कि जो शेप होती ना उसमें शादी ब्याह का पूरा हो जाएगा, तो मेरे को सिल भी यही दो। हाँ, सिलाई भी करवा लो। ये भी अच्छा है, प्योर का शेडेड नोट में है, वाइन कलर है, वाइन है, पर्पल है, ऑल साउंड डाल रही है, साउंड डाल रही है, ऑल साउंड डाल रही है, वाइन वाइन गलत बात, ना ना ना, मोस्ट चले तो मोस्ट में दूस चल लियो, हां नारंगी दिखाओ, लियो नारंगी लियो, और कोई सो लियो, पर ये वाइन ना 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 बोले ना आते, जय बोल, जय बोल। डंडे से चीता को मार ले, ये चीता, हाँ चीटा, हाँ चीटा, मारो मारो मारो, हाँ कर दो रीवा, लाडी कर दो, लाडी कर दो रिद्धि के, ये कैसे कर रही है, सर मारी है रीवा तो। भैया भाभी साहब जा रहे हैं, बाय भाभी साहब, आना फिर से, बुआ में जा रहा हूँ, बाय बाबू, कोमल कह रही थी आने, बुआ में जा रहा हूँ, हाँ कोमल भाई साहब के साथ आना। तो भाभी साहब तो है ना, मतलब मुझे घर पे छोड़ के और डायरेक्ट घर पे चले गए थे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 8:30 बज गए, और फिर बच्चों का क्या है खाने पीने का टाइम भी हो जाता है इसलिए, और घर पे आते ही देखा तो किस्मत भाई साहब ने ढोकले बना रखे थे, ये देखो ये ढोकले बना रखे हैं, तो मुझे तो आते ही इतनी तेज़ भूख लग रही ना, मैं सोची इनको खाई लेती हूँ। थोड़ी बहुत ऐसे बनाया और थोड़ी बहुत ऐसे ये फ्राइड भी बनाए हैं, उनको देखते भूख और ज़्यादा जग गई,
मीठे मीठे बहुत अच्छे लगते हैं, पर ज्यादा मीठे भी नहीं, वो शॉप पे मिलते हैं ना वो तो बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं, मगर हल्के हल्के मीठे हो और इनके साथ हरी मिर्ची खाओ बहुत अच्छे लगते हैं। तो फटाफट खा लेते हैं। और भैया आम लेके आए थे, ये ग्रीन वाले बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, ये वाले आम। और अब खाना पीना हो गया, टाइमिंग हो चुके हैं 10:30, क्योंकि शॉप से आते आते इन लोगों को टाइम लग जाता है। सुरजीत बना पूरी, क्या है लास्ट में ना, मतलब मंगल करके आता है ना, तब भाई कोई पार्सल होता है पैकिंग के लिए और भी कोई चीज़ें होती है ना, वो सेट कर कुरा के फिर आते हैं, तो टाइम लग ही जाता है, 10:30 नॉर्मली बज ही जाते हैं। खाना वाना जिमेंगे सुरजीत बना, बाकी हम तो खा पी के फ्री हैं, बिस्तर विस्तर करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, जय सियाराम।